अस्सलाम वालेकुम बिटवीन फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं एमआर सुजुकी पर, हमारे साथ है मुतारिब भाई। अस्सलाम वालेकुम मुतारिब भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, ये वीडियो हमें जो है वो एमआर सुजुकी की तरफ से बनाने की इजाज़त मिली और मुतारिब भाई ने काफ़ी मेरा साथ दिया इस वीडियो को, इस रिव्यू को आप तक पहुँचाने में। तो अभी मुतारिब भाई, सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे 360 रिव्यू और मुतारिब भाई के साथ बैठ जाएंगे, राइड भी करेंगे इस बाइक की। टॉप सीट वगैरह और फ्यूल एवरेज वगैरह की मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने मुतारिब भाई से एक बाइक बुक भी करवा ली है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे वो बाइक भी मिल जाएगा। तो आपका कीमती टाइम जाया हुआ, जल्दी से इस बाइक का करते हैं 360 रिव्यू और लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइस, इसकी बुकिंग क्या चल रही है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपके GSX सुजुकी 125 cc की साइड की लुक, यानी कि बहुत मज़ेदार ब्लू कलर जो है मुझे खुद पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा रेड भी है इसमें और ब्लैक भी है। तो सबसे पहले फ्रंट वाइज़र की बात कर ले तो यहाँ पर आपको इसकी सुजुकी का जो है ना वो स्टिकर लगा मिलता है। उसके साथ नीचे आ जाए तो डायमंड कट आपको यहाँ पर इसकी हेडलाइट मिलती है। इसकी ब्राइटनेस देखें, अभी इसकी ये लो बीम पर ये जो लाइट अभी ऑन है। उसके साथ साथ इसमें DRL का ऑप्शन भी मिलता है, छोटी आप बल्ब देख लें, छोटा बल्ब आपको मिलता है। और इसकी मैं लाइट ऑफ करके भी इसके जो क्वालिटी है, जो क्रिस्टल लुक है इसकी, वो सारी मैं आपको दिखाऊँगा। इंडिकेटर की बात करें तो काफ़ी अच्छा और फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेगी, हूबहू मतलब क्वालिटी को मद्देनज़र रख के यहाँ पर जो सुजुकी वालों ने बहुत बड़ी गेम खेली है। तो मतलब 125 को वापस लेकर आना, इन देखा कि पाकिस्तानी मार्केट में 125 सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों ना हम 125 पर ही वर्किंग करें। और 125 में एक इन्होंने एक मतलब एक शहजादा बाइक निकाल दिया है। हैलोजन बल्ब आपको मिल जाता है उसके साथ, DRL का ऑप्शन। और मैंने लाइट ऑफ करके ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी आपको दिखाने के लिए इसकी लाइट ऑफ किए, लाइट ताकि हेडलाइट की आप क्वालिटी देख सकें। इसके अलावा इसके फ्रंट के सस्पेंशन आगे जाकर कितने फ्लेक्सिबल है ये भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। उसके साथ साथ आप फ्रंट का जो मड गार्ड है प्लास्टिक का है, फ्रंट टायर की जो ग्रिप्स है वो भी आप लहजा फरमा सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये बता दूँ कि इसके फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो भी मैं आपको यहाँ से कन्फर्म कर दूँ कि 2.75 का आपके यहाँ पर इसका फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है। उसके साथ 18 inches के आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। अलॉय रिम्स की क्या क्वालिटी है ये भी मैं करीब जाकर आपको ज़रूर दिखाऊँगा। उसके अलावा ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की एक सिंगल डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट पर मिलती है। और ये गोल्ड और सिल्वर कलर इन्होंने जो दिया ना यार, कसम से दिल जीत लिया है। बाकायदा यहाँ पर हमें अगर किसी और बाइक की बात करें तो ब्लैक रेड कलर मिलता है या रेड कलर मिलता है इसकी डिस्क ब्रेक में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गोल्डन एंड सिल्वर करके मतलब एक अच्छी एक लुक बना दी है इस बाइक की। इसके अलावा टायर साइज़ मैंने आपको बता दिया, तो इसके जो कौन सी कंपनी का टायर है ये भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है किंडा कंपनी का, ये ट्यूबलेस टायर है। और वैसे तो आप चाहें तो कोई भी मतलब टायर साइज़ आप इसमें चेंज मतलब कर सकते हैं, कि आपने थोड़ा चाहते हैं कि फ्रंट पर आपका थोड़ा बड़ा साइज़ हो तो थोड़ा बहुत एक दो नंबर ऊपर का आप कर सकते हैं। रेयर का भी इतना इन्होंने गैप दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अलॉय रिम की जो देख लें, आपकी एक फिंगर के कहाँ तक इसकी जो मोटाई है इसके अलॉय रिम की आती है। और यानी कि इन्होंने जो स्पोक्स, 2 स्पोक्स इसमें दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 10 स्पोक्स इन्होंने दिए हैं अलॉय रिम्स के। तो काफ़ी अच्छी और मजबूत, ये इसलिए दिया जाता है कि हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो और इनमें हीट पैदा ना हो। इसलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मीटर की। इसके अगर डिजिटल मीटर तो है नहीं है, एनालॉग मीटर है। अगर टोटल मीटर की बात करें तो 1 स्पीड इसकी जो दी है 140 km/h की, बाकी हम इसको ऑन रोड इसका टेस्ट करेंगे। इसकी टॉप सीट हम खुद भी चेक करेंगे। टैकोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल गेज ऑप्शन, गेयर इंडिकेशन, राइट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक ऑप्शन, इसके साथ साथ हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन। मीटर में भी आप देख लें को लाइट की जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी है। और मुझे काफ़ी मतलब अदर कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसकी मीटर की लाइट में काफ़ी कम होती है, इसमें आपको जो मीटर की लाइट है काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। उसके अलावा डिपर का ऑप्शन इस बाइक में आपको मिलता है और हाई एंड लो बीम कर सकते हो। चोक का सिस्टम भी आपको आपके हाथ के आसपास ही मिल जाता है, इनके लेफ्ट ग्रिप में आपको मिल जाता है। ऑटो इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है जी। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जी इसके टैंक की। इसके टैंक के ऊपर जो कैप है, शुक्र है खुदा का कि सुजुकी वालों ने वो पुराना कैप नहीं दिया इस बाइक में, एक नई लुक दी है, एक नया कैप दिया है, ठीक है, स्पोर्टी लुक दी है, स्पोर्टी कैप दिया है। और इसके अगर साइड फेयरिंग की बात करें तो वहाँ पर सुजुकी इनवेलप पक्का पक्का स्टिकर लगाए हुए हैं, मतलब ये इतनी मजबूती से लगाए गए हैं कि ये इतनी जल्दी उतर नहीं सकते। खैर, इसके जो साइड पे जो आप फेयरिंग वगैरह देख रहे हैं उसके ऊपर GSX R भी लिखा हुआ है, मतलब दूर से ऐसे लगेगा आपको कोई स्पोर्टी लुक वाला कोई बाइक खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब टैंक में और इसकी थोड़ी सी सिटिंग का, टैंक में आपको बताता हूँ दोबारा, सिटिंग की बात कर लें तो सिटिंग काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है। बैठ कर आपको मैं चेक भी करूँगा इसकी सिटिंग पोजिशन कैसा है। टैंक में आप तकरीबन 14.2 लीटर तक का पेट्रोल डाल सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी फुल की लुक देख लो यार, बाइक नो डाउट बहुत प्यारा है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करूँ YBR से या
फिर YBRG से, तो उस इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। और इसमें ज़्यादातर जो है ना वो ये देखें रेयर के फुटरेस्ट देख लें आप, ठीक है, ये आराम से इजी बेंड हो रहे हैं। और ये देखें, खुदा ना खासा अगर बाइक की हीट होता है लगता है तो ये इजीली पीछे हो जाएगा, मतलब मूवेबल है ये, ठीक है, मतलब ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। खैर मैं लुक की बात करता हूं तो इस बाइक की लुक मुझे ब्लू कलर में काफ़ी अच्छी पसंद आई। आपको कौन सा कलर पसंद है नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको रेड कलर पसंद आया इसमें या फिर आपको इसमें ब्लैक कलर पसंद आया, नीचे कमेंट्स करके आपका फेवरेट कलर कौन सा है। वैसे मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू भी है और रेड भी है, इन दोनों में से आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं ब्लू लूँ ऑन रोड रिव्यूज़ के लिए या फिर रेड कलर लूँ। वेल्डिंग पोर्शंस की बात कर लें तो काफ़ी स्मूथनेस मुझे इसमें नज़र आई, काफ़ी वर्किंग इन्होंने की है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसके फ्यूल कोक की बात कर लें तो इसके फ्यूल कोक में या तो सिर्फ आप ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसकी मीटर में फ्यूल गेज का ऑप्शन है, वहाँ से आपको पता लगता रहेगा, इसलिए इसमें किसी भी किस्म का कोई रिजर्व ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। या तो सिर्फ आप ऑन कर सकते हैं या तो सिर्फ आप अपना फ्यूल सिर्फ इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक 125 cc इंजन, अगर ओरिजिनल इंजन की बात करें तो उसके ऊपर स्टैंप किया जाता है। इसकी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर डिस्प्लेसमेंट आपके सामने है, 124 क्यूबिक सेंटीमीटर की इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट है। कार्बोरेटर देख लें, इसकी कार्बोरेटर की जो मतलब ये कोई आम कार्बोरेटर नहीं है, ये जितने भी सुजुकी के बाइक्स हैं अपने बाइक्स में यही वाला कार्बोरेटर यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करती है ये आपको लॉन्ग पर 60 km/L की एवरेज देता है। गियर्स की बात कर लें तो 5 गियर्स है, रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन है, ड्यूल स्टैंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और इसका जो लीवर है वो सिंगल लीवर यानी कि फ्रंट से ही आपने इसका गियर निकालना है और यहीं से आपने इसका गियर डालना भी है, यानी कि बैक साइड पर आपको ये ड्यूल लीवर नहीं मिलता, सिंगल लीवर मिलता है। इसके अलावा ड्यूल स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि डबल स्टैंड पर भी आप बाइक को खड़ा कर सकते हैं और सिंगल स्टैंड पर भी आप इस बाइक को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके में जो इसके स्टैंड्स की जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मतलब मटेरियल इस बाइक में यूज़ किया गया है अभी तक, तो इसकी जितनी भी मतलब क्वालिटी है मुझे काफ़ी पसंद आई। ये स्टिकर लगे हुए हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं कि आपने इस बाइक को कैसे चलाना है, किस तरह क्या आपने प्रेशर रखना है, हवा का कितना प्रेशर रखना है फ्रंट पर बैक पर, यहाँ पर देखते हुए भी आपने इसकी हवा जो है वो करवानी है टायर्स में, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर हैं। इसके अलावा रेयर सस्पेंशन की बात कर लें तो एडजस्टेबल सस्पेंशन हैं, इनको आप हार्ड भी कर सकते हैं और सॉफ्ट भी कर सकते हैं। और साथ साथ चेन की क्वालिटी देख लें, स्विंग आर्म की क्वालिटी देख लें, और अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो आप इसके जो रेयर के जो अलॉय रिम्स हैं उनकी भी क्वालिटी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किंडा का टायर है, रेड पर भी आपको किंडा का टायर मिलता है और ट्यूबलेस टायर है फ्रंट एंड बैक पर। रेयर टायर की अगर साइज़ की बात कर लीजिए तो 90x90 का आपको इसका रेयर टायर मिल जाता है और 18 inches के आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है। उसके साथ साथ बाइक की लुक आपको सारी की सारी दिखा देता हूँ, रेयर से भी बात करेंगे, टोटल आपको पूरा का पूरा बाइक आपको 360 में भी दिखाऊँगा। उसके साथ अभी सीट ओपन करके भी आपको अंदर से भी दिखाते हैं। अच्छा, पीके बाइक्स पर जो भी रिव्यू होता है मेरी कोशिश होती है कि एक एक चीज़ आपको पास से दिखाऊं, क्योंकि बाइक्स अब जितने भी हैं उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं और आप घर बैठे अपने इस रिव्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद बाइक के पास खड़े हैं और एक एक चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, इन्होंने इसका टूल जो टूल किट दी हुई है वह यहाँ पर सीट के नीचे दी हुई है और इसकी बैटरी का पोर्शन वगैरह जो भी है यहाँ पर आपको ईजिली नज़र आएगा, ठीक हो गया। और बाकी अपना कोई एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर नहीं रख सकते, ये जस्ट खोल के दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यही था कि अंदर से बाइक आपको दिखाया जाए और दिखाया जाए कि इसकी सीट के नीचे क्या इन्होंने सेटिंग वगैरह करके रखी होती है। तो अभी हम आपको सीट इसका क्लोज करने का भी काफ़ी आसान है, पहले आगे से आपने पुश करना है फिर इसका लॉक आपने लगा देना है। रियर पर आपको लिए चलता हूँ, रियर पर काफ़ी अच्छी बड़ी लाइट, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस वाली लाइट है। खैर LEDs का यूज़ तो नहीं हुआ इस लाइट में, एक बड़ा हैलोजिन बल्ब आपको रेयर पर भी मिलता है जिसमें आपको हाई एंड लो बीम का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसकी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ग्रैब रेल्स देख लें, इसकी साइड पर टोटल मेटल की है, यहाँ से पकड़ के आप बाइक को डबल स्टैंड पर भी लगा सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है। उसके साथ फ्रेंड्स अच्छा लाइट बनाएगी जैसे लग रहा है जैसे रेयर लाइट में आपको LEDs मिल रही है, लेकिन ये LEDs नहीं है, हेलोजिन बल्ब वाला आपको रेयर लाइट, आपको इसकी टेल लाइट मिलती है। उसके अलावा रेयर के जो इंडिकेटर्स हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप लगा फरमा सकते हैं। और ये अभी लो उस पर है, लो बीम पे थी लाइट, रेयर पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके अलावा रेयर के जो टायर है उसका पैटर्न वो है वो भी आप लगा फरमा सकते हैं। रेयर पर आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है और ये करीब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, स्पोक्स रिम्स जो है ना इसके मतलब जिस स्टाइल से बनाए गए हैं ऐसे लगता है कि काफ़ी पतले हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी मोटी क्वालिटी है, मैंने आपको फिंगर रख के भी चेक करवाया था। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है ये है
फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और प्योर 125 cc बाइक है ये। इसके अलावा ये SOSC की टेक्नोलॉजी मिलता है, यानी कि सिंगल अवर्ड कैमशाफ्ट की टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है और ब्लंसर शाफ्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर इसके हम बात करें हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो है तकरीबन 10.46 की हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 9000 RPM पर मिलती है। अलावा इसकी टॉर्क की बात कर लें तो 9.2 न्यूटन मीटर की आपको इस बाइक में टॉर्क मिल जाती है, जो कि 7000 RPM पर मिलती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूँ कि इस बाइक में जो बोर्न मिलता है 57.0 mm का मिल जाता है। स्ट्रोक की बात करें तो 48.8 mm का आपको यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है वो मिल जाता है। इसके अलावा इसके इंजन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे से सैर करवाऊंगा और देखें ये जो PK बाइक्स पर आपको रिव्यू दिखाया जाता है, ये एक एक चीज़ आपको इसलिए दिखाई जाती है कि आप लोग भी मतलब फैसला कर सकें कि ये बाइक आपने परचेज़ करना है या नहीं करना। घर बैठे आपको सारी की सारी डिटेल बाइक की मिल जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स बाइक में अभी तक जो भी मैंने ये राइड भी किया है, इसको चलाया, ठीक है, आगे जाकर मैं आपको इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँगा, तो मैंने अभी तक इस बाइक में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। हाँ, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जिसमें हमें इसमें किक नहीं मिलती इस इंजन में, ठीक है, और गियर्स का जो ऑप्शन है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस बाइक में हमें 5 गियर्स रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर जो रिकमेंडेशन है, किसी को रिटर्न शिफ्ट गियर पसंद आते हैं और किसी को फॉरवर्ड गियर पसंद आते हैं, तो खैर मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि इसमें अगर फॉरवर्ड कर दिए जाते तो ज़्यादा बेहतर, मतलब एक 1-5 कैटेगरी में अगर आप आ ही रहे हो तो टोटल पूरी कैटेगरी में उतरो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, रिटर्न शिफ्ट भी चलता है, मज़ा करते हैं ये गियर्स भी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो किक आपको नहीं मिलती वो मतलब एक इंटरनेशनल मॉडल है, ठीक है, इसमें आपको किक मिलेगी नहीं। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप इसको धक्का लगाकर स्टार्ट कर लो। बैटरी का ऑप्शन काफ़ी हैवी भी बैटरी भी मिलती है, यानी कि 12 volt 7 ampere की। तो ज़रा मैं भी ज़रा अपना सिटिंग पोजीशन बैठ के दिखा दूँ नाज़रीन को, आप ज़रा कैमरा पकड़ेंगे ज़रा। मैं मेरा वैसे मुताबिक दिल कर रहा है, आपने तो कितनी बार चला लिया ये बाइक, कैसे लगे शॉक्स? सस्पेंशन तो कमाल की है, नो डाउट फ्रेंड्स बाइक बहुत मज़े का है और आप यकीन करो कि 0 vibration है। ब्लेंसर शेफ का ऑप्शन भी है इसमें, जिसकी वजह से बाइक की जो राइड है बहुत मज़े की है। अभी मैं आपको टॉप सीट तो नहीं इसकी चेक करवा पाऊँगा क्योंकि ये अभी अंडर रनिंग है इस वजह से, ठीक है ना तारी भाई, तो इसको हम ज़रा वैसे ही इसकी राइड में चेक कर रहा हूँ और साथ साथ आपको भी इंजॉय करा रहा हूँ। इसकी राइड बहुत माशाल्लाह स्मूथ है, मलाई की तरह गियर लग रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन है। मैं कहता हूँ कि खा जाएगा यामा को एक बार, मुझे अभी बाइक चलाने को मेरा दिल कर रहा है कि अभी इसकी टॉप स्पीड वगैरह चेक करूँ। थोड़ा सा चेक करते हैं, तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू लिया था, फिर मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सबसे पहले हम मुतारिब भाई से बात करते हैं कि मुतारिब भाई इसकी कैश की प्राइस क्या चल रही है? सर कंपनी जो टैग प्राइस दी है वो 359,000 दी है। 359, ठीक हो गया। और इसकी बुकिंग वगैरह का क्या सीन है, मतलब अगर मैं कैश पे लेना चाहता हूँ तो मुझे कितना वेट करना पड़ता है इसके लिए? सर वह तो जो कंपनी टाइम दे रही है वो 2-2.5 माह दे रही है, 2-2.5 माह, ठीक हो गया। लेकिन कैश को थोड़ा सा होता है कि थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है, जो कैश मतलब जो कैश पे लेना चाहेगा तो थोड़ा सा उसको अर्ली मिल जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप इंस्टॉलमेंट पे आप अवेल करेंगे। तो मोस्टली तो जो है वो कस्टमर हमारे जो है वो प्रेफर करते हैं हम इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, ठीक है। पता है 0% के साथ कोई ऐसी कंपनी है नहीं जो ये इस तरह के प्रोडक्ट आपको दे रही हो। बिल्कुल, सुजुकी वाइट कंपनी है जो आपको मतलब 0% माया के साथ आपको दे रही है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं 30% वहाँ के साथ, 50% वहाँ के साथ है, मतलब कम से कम 30% कम से कम 30% आपके। और 24 मंथ का आप पैकेज दे रहे हैं, उसमें अगर कोई चाहता है कि मैं 12 मंथ के अंदर इसको क्लियर कर दूँ तो वो भी पैकेज अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट पैकेज, हाँ आप उसको 1 year वाला प्लान ले सकते हैं, ठीक, वो उसमें आपकी जो डाउन पेमेंट है वो हाफ हो जाएगी, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप 2 year से करें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, आप उस तरह हो जाएगी। सही। अच्छा फ्रेंड्स मैंने ये बाइक चलाया तो मैं तो कहता हूँ कि सुजुकी ने कमाल कर दिया, ट्यूबलेस टायर आपको दे दिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अलॉय रिम अच्छी क्वालिटी का, जो इसके सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे रिलायबल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये अपनी मार्केट बना लेगा और जल्दी से आके इसको परचेज़ कर लो, बुक कर लो। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ टाइम तक इसकी प्राइस भी अपडेट हो जाएगी क्योंकि जिस लिहाज से ये चीज़ बन के आई है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक 125 cc कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। मेरे नाज़रीन के लिए अगर कोई आता है आपको कहता है मैंने PK बाइक्स पे ये वीडियो देखी है, उनके लिए कोई खसूसी कोई चीज़ कोई?
सर इसमें आप कर देंगे जरा जल्दी अगर अवेलेबल, कोशिश पूरी करेंगे। अब पता है अभी तो नई प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, अभी हमारे पास बुकिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा है हमारे पास ना, सही। तो हमारी पर डे क्या आपको पता है कि बुकिंग इस टाइम वो 30-40 जो है वो यूनिट्स हम जो है बुक कर रहे हैं, ठीक हो। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कस्टमर को थोड़ा सा, लेकिन हम प्रेफर कर देंगे थोड़ा जल्दी जो है डिलीवर करने की, ठीक हो। एक छोटा सा पैकेज बता दें जिसमें जो कंज्यूमर के लिए काफ़ी मतलब ईजी हो, जिसके लिए इंस्टॉलमेंट भी कम बने, डाउन पेमेंट तो 30% है, तो वो कितने अमाउंट देनी पड़ती है? उसमें होगा कि जो भी बाइक लेना चाहते हैं वो 30% एक तो वो एडवांस देगा, ठीक है, जो कि उसकी अमाउंट बनती है 137, ठीक हो। उसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी आईडी कार्ड कॉपी चाहिए होते हैं, ठीक है, आपके साथ 2% गारंटर चाहिए होते हैं, ठीक, मतलब वो आपके रिहायशी हो, आपके फ्रेंड हो जाए, रिलेटिव हो जाए, आपके कोलीग्स में। सरकारी नौकरी जरूरी तो नहीं है? जरूरी नहीं होता इसमें, ठीक हो। तो बाकी आपकी 2 तस्वीरें चाहिए होती हैं छोटी पासपोर्ट साइज की, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसमें लास्ट 6 मंथ की सैलरी से प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर अपना बिजनेस है तो आप लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बाकी आपकी चार डाउन पेमेंट है जो ये आप करें, आपको फिर एक सिक्योरिटी का चेक रखा जाएगा आपसे, तो वो जब आप पूरा कर लेंगे इसको अवेल जो आप प्लान लेते हैं वो फिर आपको एड वापस आपको मैंड ऑफ करते हैं, ठीक हो गया। और चलें अभी बाइक को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, आपको साउंड भी चेक करते हैं, तब भी ज़रा इसको स्टार्ट करके थोड़ा साउंड हमें चेक करवा दें इसका। तो फ्रेंड्स ये जो इसका अभी साउंड आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल मतलब ज़ीरो थ्रॉटल पे है, आरपीएम इसका तकरीबन 1000 जो है उसके आसपास है। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका साउंड थोड़ा सा निकलेगा ज़रूर, तो जो भी मेरा भाई आना चाहता है, इसको बुक करवाना चाहता है, कैश पर लेना चाहता है, ये बुकिंग इसके इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहता है, तो यहाँ पर आएँ, मेन मरी रोड एमआर सुजुकी के नाम से होगा, मुतारी भाई आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपकी ये बाइक को बुक करेंगे। और मैं इनके नंबर भी नीचे डिटेल जो है इनके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा, लोकेशन वगैरह भी इनकी डाल दूँगा, वहाँ पर आकर विज़िट करें और चेक करें बाइक। और मेरे जो कंज्यूमर जो मेरी वीडियो देख कर आएंगे उनको आपने छोटी मोटी राइड भी करा देनी है, ठीक है, ज़रूर चेक करवाएंगे। तो बस वीडियो का एंड करते हैं, तो लास्ट में आपका हौसला सलाम है, मैं आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ की, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, मुतारिफ भाई को भी अपनी दुआ में याद रखेगा, और हमारे कैमरा मैन को भी अपनी दुआ में याद रखेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।